नमस्कार, एनडी टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और मेरे साथ विशाल मौजूद हैं और चर्चा करेंगे आखिर विनेश फोगाट को लेकर क्या कुछ मामला था। वो हम सब जानते हैं, लेकिन मामले को लेकर इतना इंतजार किया गया और वो भी फैसला जो है वो विनेश फोगाट के पाले में नहीं आया, यानी उनके समर्थन में वो फैसला नहीं आया। CAS के तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि की गई कि क्या कुछ वजह थी और क्यों इनके जो विनेश फोगाट ने अपील दायर की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो इन सभी मामलों पर बातचीत करेंगे। और कुल 24 पन्नों में जो है CAS ने उस रिपोर्ट को जारी किया है, उस फैसले को जो है सबके साथ सार्वजनिक किया है कि आखिर किस चीज़ के तहत विनेश फोगाट की अपील को खारिज की गई है। दरअसल वजह यह थी कि जब विनेश फोगाट को विशाल वहां पे जब खेलने का मौका मिला, तो जब जिस दिन गोल्ड का सब पूरे देशवासियों को इंतजार था, फाइनल मैच का इंतजार था, उस दिन उनका वजन जो है वो 100 ग्राम जो है अपने निर्धारित वजन जो कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेल रही हैं, खेल रही थी, उसमें जो है उनका वजन जो है 100 ग्राम अधिक निकल कर आया था, जिसके बाद उनका जो है फाइनल मैच खेलने का जो है उस पर रोक लगा दिया गया। तो नियम कुछ इस तरीके से है विशाल कि जिस तरीके से CAS ने भी कहा है कि जो खिलाड़ी उसको पता है कि उसकी इस वेट कैटेगरी में जो है भाग ले रहा है उससे वेट जो है एक्सीड करने का अब तक का कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसमें छूट दी जाए थोड़ी भी, तो उसको लेकर पहला स्थगन यही था कि जो वेट कैटेगरी थी वो 50 किलोग्राम की थी और 50 केजी वेट कैटेगरी में आपका थोड़ा भी वेट अगर बढ़ता है, चाहे वो जिस तरीके से रिपोर्ट में कहा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, पीरियड्स की वजह से होता है या फिर पानी पीने की वजह से होती है, तो उन सबको लेकर हालांकि इसमें कोई छूट नहीं दायर की गई है। जी, और फिर इसमें उन्होंने ये भी कहा कि देखिए एथलीट को पहले से ही एक्चुअली पता था कि आप किस कैटेगरी में भाग ले रहे हैं और उनको नियम भी पूरी तरह से पता था, तो यहाँ पे छूट देने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये जो नियम है वो सभी एथलीट के लिए बराबर है। और ये ओलंपिक जैसे खेल में नियम को आगे रखा जाता है और यही कारण रहा, अहम कारण यही था विषय की, इसलिए विनेश फोगाट का जो अपील थी उसे खारिज किया गया। उसमें सीधा सा कारण यही था कि आपका जो वेट है वो नियम के अनुसार नहीं था और एक 100 ग्राम वहाँ पर देखिए 50 केजी किलोग्राम में वो खेल रही थी, वहाँ पे उनका जो वेट जब नापा गया फाइनल से मैच से पहले तो 100 ग्राम ज़्यादा था, और सबसे बड़ा तर्क यही था कि आपका जो वेट है वो नियम के अनुसार नहीं था, इसलिए आपकी अपील को खारिज किया गया। यहाँ पे देखिए CAS के मुताबिक जो कहा गया है कि खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी के लिए समस्या है कि वजन सीमा के संबंध में नियम जो है वो स्पष्ट है और सभी प्रतियोगियों के लिए ये समान नियम है, क्योंकि किसी के लिए आप एक एक्स्ट्रा फेवर नहीं उम्मीद कर सकते हो कि हाँ उनके लिए, क्योंकि 100 ग्राम हमारे लिए आपके लिए एक सामान्य वेट कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 ग्राम बहुत मामूली सा वजन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम है, क्योंकि हर एक नियम कहें या फिर एक सीमित दायरा कहें, उस दायरे से बाहर जाकर आप कोई फैसला नहीं कर सकते किसी एक्स प्लेयर के लिए या किसी आप एक्स फैक्टर कुछ नहीं निकाल कर वहाँ से ला सकते कि हाँ इस इंडिविजुअल प्लेयर के लिए, क्योंकि वो ठीक है कि वो लगातार बेहतर परफॉर्म करते हुए फाइनल तक पहुँची थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो दावा किया गया था कि सिल्वर मेडल पे दावा था कि सिल्वर जो है वो शेयर किया जाए, उसको लेकर अपील जो है खारिज की गई थी। एक चीज़ और यहाँ पे अपने जो उन्होंने जो वर्डिक्ट सुनाया है CAS में, उसमें ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के कुछ नियमों में ये कहा गया है कि जब कुछ रेसलिंग होती है उसमें 2 किलो का भार यहाँ पे मतलब रियायत दी जाती है, लेकिन ओलंपिक जैसे खेल में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आपने देखिए उसमें क्या उन्होंने सीधे लिखा हुआ था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों में साफ दिया गया है कि पहलवान को न सिर्फ टूर्नामेंट के शुरुआत में खेलने के योग्य होना चाहिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान आपको उसी योग्यता के अनुसार रहना होगा। यहाँ पे यहीं पर विनेश फोगाट मात खा गई कि उनका जो वेट था वो उस भार 100 ग्राम ज्यादा हो गया था, जिस कारण उन्हें पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसे में नियमों में जरा भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये भी साफ किया गया था कि जो भी वर्डिक्ट जो कल आया है उसमें ये साफ कर दिया गया था कि किसी तरह का भी छूट नहीं दी जाएगी, और यही कारण रहा, एक सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि नियम के खिलाफ बिल्कुल। और मांग यही की गई थी कि जिस तरीके से विनेश का परफॉर्मेंस रहा था, सिल्वर मेडल जो है उनको, उन्होंने ये मांग की थी कि सिल्वर मेडल जो वो शेयर की जाए, लेकिन सिल्वर मेडल का जो सपना था वो भारत के लिए, यहाँ पे जिस तरीके CAS का जो वर्डिक्ट आया, क्योंकि 3 बार इसके पहले स्थगित किया जा चुका था जो फैसला आने वाला था, 3 बार स्थगित किया गया था, और जब 16 तारीख का जब इंतजार था, क्योंकि 13 तारीख को जो स्थगन हुई थी 13 अगस्त को, उसका 16 की नई तारीख दी गई थी, वहां से निकल कर सामने आया था कि 16 तारीख जो है, अगर हम इतना गैप जो मिल रहा है 2-3 दिन का, तो एक उम्मीद जरूर जगी थी, और उम्मीद जगने के बाद अगले दिन ही खबर आ रही है कि उसको जो दलील दी गई थी जो विनेश फोगाट की, उसको खारिज कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर मामला जो था नियमों के आधार पर, नियमों के अगर तौर पर देखा जाए तो विनेश फोगाट जो है उनकी अपील जिस तरीके से खारिज हुई उसका
कारण जो है अहम तरीके से जो है सीएस ने बताने के आगे काम किया है। और भारत के लिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये झटका था, विनेश फोगाट के लिए भी झटका था, क्योंकि 100 ग्राम वजन जो है एक खिलाड़ी के तौर पे जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है और ओलंपिक के स्तर की अगर बात की जाए, वहाँ जाकर अगर आप फाइनल मुकाबले में महज 100 ग्राम वेट से अगर आप चूक जाते हैं तो कह सकते हैं कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो असल जिंदगी में ये चीज़ जिस तरीके से निकल कर सामने आई विनेश फोगाट के लिए बहुत ही मुश्किल रहा, लेकिन भारत लौटने पे जिस तरीके से फैंस ने देशवासियों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने इसका जो शुक्रिया अदा भी किया था, स्वागत किया, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अब नई एक उम्मीद जगी है, आगे को लेकर क्या कुछ फैसला करती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस अपडेट को हमने आपके साथ शेयर किया है, आप तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे NDTV इंडिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।